नमस्कार, आप सबको हिंदी पखवाड़े के बहुत शुभेच्छा। मेरा नाम क्या मामले है, मैं कक्षा 3 वो मैं पढ़ती हूँ। हिंदुस्तानी हैं हम, गर्व करो हिंदी पर, सम्मान देना दिलाना कर्तव्य है हम पर। खत्म हुआ विदेशी शासन, खत्म हुआ विदेशी शासन, अब तोड़ो बेड़ियों को, तो दिल से अपनाओ खुले आसमां को, वरना छोड़ो धरती के प्यार को। हिंदी है मातृभाषा हमारे, इस पर लाछावर करो जिंदगी सारी। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और उसकी संस्कृति से होती है। तो फिर आज हम ऐसे में से और पूरे विश्व में हर देश की अपनी भाषा और अपनी एक संस्कृति है। तो ऐसे में आज हम बात करते हैं अपने देश भारत राजभाषा हिंदी के बारे में। हमें इसे बोलने में फर्क महसूस होना चाहिए। भले ही आज हमारी सारी पढ़ाई लिखाई और सारे कार्य अंग्रेजी में होते हैं, अब लेकिन भारत के लोग की मूल भाषा हिंदी है। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाए, तब अगर आपको हिंदी आती है तो आपको रहने में, कार्य करने में कोई परेशानी नहीं, हो। हिंदी के बिना हम अपनी दिनचर्या नहीं बिता सकते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एकता में जोड़ती है, लेकिन आज भी हमारे देश में अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य है। जो हमारी भाषा हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए वो शायद अब तक नहीं मिला। लेकिन बिना हिंदी के हम अपने विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत देश कई विधाओं का मिश्रण है, उनमें कई भाषाओं का समावेश है। इन सभी भाषाओं में हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। आज यह दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने भाषाओं में से एक है। इसे सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता में हिंदी का महत्व। शहरों अथवा महानगरों में बैठे हुए लोग अपने आसपास के दायरे में रहकर सोच रहे हैं, उनको हिंदी का कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। उन्हें एक सफल भविष्य जिसमें नौकरी पेशा एवं अच्छा आराम हो, और उसके लिए हिंदी का होना जरूरी नहीं लगता। माना कि हिंदी तकनीकी ज्ञान से दूर है, परंतु तकनीकी एकता से ज्यादा मानवीय एकता महत्व रखती है। मानवीय एकता तब आएगी जब सब में समानता होगी, मतभेद खत्म होगा। यह मतभेद भाषा का मतभेद है। अंग्रेजी आज की जरूरत है, लेकिन क्या जरूरत के लिए नींव को छोड़ा जा सकता है? अगर हिंदी को इस तरह से पृथक कर दिया जाएगा तो गांव और शहरों में बढ़ता मतभेद और गहरा हो जाएगा, जो कि देश की विकास में बड़ी बाधा है। भाषा व्यक्ति को जोड़ती है। व्यक्ति को जोड़ने से परिवार बनता है, परिवारों को जुड़ने से समाज बनता है। समाज से गांव, गांव से शहर, शहरों से महानगर और महानगरों से देश। इसलिए देश की विकास में जुड़ाव का मजबूत होना जरूरी है। राष्ट्रभाषा देश की धरोहर होती है। जिस तरह हम तिरंगे को सम्मान देते हैं, वैसे ही हमारी भाषा भी सम्माननीय है। हम खुद जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक इसे दूसरों तक पहुंचाना मुश्किल है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका में जाकर मातृभाषा में भाषण दिया था। यह हमारे लिए गर्व की बात है। विदेशी धरती पर अपनी राजभाषा में पूरे आत्मविश्वास के साथ भाषण दिया। हिंदी दिवस को महज एक दिन ना समझे। राष्ट्रीय एकता एवं देश विकास हम सबकी जरूरत है, जिसके लिए सभी को एक साथ आगे बढ़ना जरूरी है। और इस दिशा में हिंदी को वास्तविक सम्मान मिले, यह अत्यंत आवश्यक है। एकता ही है
देश का बल, जरूरी है हिंदी का संभल, सबकी सखी है मेरी हिंदी, जिसे माथे पर सजी है सुंदर बिंदी, देवनागरी है इसकी लिपि, संस्कृत है इसकी जल्दी, हर साहित्य की है ये जाता, सुंदर सरल है उसकी भाषा, प्रेम अपलापन सौंदर्य है इसका, दिलाला संभाल कर्तव्य है हम सबका।